यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 और हम हैं यहाँ की एग्जीबिशन में। हमारे साथ हैं आप जी, आपका नाम आशीष जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष और ये हम यहाँ जो एग्जीबिशन में देखने आए हैं ये कोई एक खास तरह की आइसक्रीम मशीन है जिसके बारे में आशीष जी हमें बताएंगे। जी आशीष जी, ये मशीन किस तरह की है और ये हमें मशीन के बारे में? हाँ, आइसक्रीम कैसी होगी हमें जी? तो हम लोग जो है बेसिकली फोकस कर रहे थे नॉन डेयरी का डिमांड आ रहा था आइसक्रीम। जी जी आइसक्रीम जी जी। तो नॉन डेयरी आइसक्रीम के बारे में डिमांड आ रहा था कि कई बार डेयरी आइसक्रीम से जो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम है शुगर से, या फिर प्रोटीन का एलर्जी भी रहता है कई लोगों को, जो जानकारी भी नहीं रहती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रहते हैं। तो देर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड कि कहना में नॉन डेयरी आइसक्रीम अगर आ जाए तो। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया है, हम लोग ने एक प्रोडक्ट बनाया मिलेट आइसक्रीम। मिलेट आइसक्रीम, मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब दे आर कॉल्ड मिलेट। ओके, तो इससे एक आइसक्रीम बनाया है और उसको हमने ऑप्टिमाइज किया कि उसमें लो शुगर रहे, फैट भी लो है उसमें, और उसमें हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड डाला है जो कि क्या नाम है एज अ नॉर्मली फिश में पाया जाता है या फिर प्लांट में फ्लैक्सीड में पाया जाता है। ओके, फ्लैक्सीड में से हमने निकाल के उसको फिर इसमें आइसक्रीम में डाला एंड इट वॉज वन ऑफ द बिग हिट इन वर्ल्ड फूड इंडिया विच वॉज हेल्ड इन दिसंबर। और आज का जो प्रोडक्ट जो था वो कोकोनट से है, कोकोनट आइसक्रीम। Okay. तो कोकोनट से मिल्क बना के उसका फिर जो है आइसक्रीम बनाते हैं। नॉर्मली हम जो मार्केट में आइसक्रीम खाते हैं जी, उसकी कॉस्ट 10 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक होती है जी। इस आइसक्रीम की कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट तो डिपेंड करता है आपका रॉ मटेरियल आप कहाँ से ले रहे हैं। नहीं मतलब अगर देखिए, हम तो कॉमन पीपल्स की बात करते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर एक आम आदमी को खाने के लिए जो आइसक्रीम वो खाना चाहता है अगर उसे एफिशिएंट प्राइस में नहीं अवेलेबल होगी तो वो क्यों खाएगा? मीन्स प्रोडक्ट आपका बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका, अगर आपने जैसे आज बताया आज कोकोनट से बनी हुई है एक आइसक्रीम आपने, तो उसकी क्या कॉस्ट, अगर मार्केट में वो आएगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? ओके, कॉस्ट जो है, ओके मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो नियर बाय अवेलेबल है कि नहीं। जी जी, क्योंकि इन सीजन क्या नाम है रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो काफी लो हो सकता है। जी जी, देखा होगा आपने आलू का प्राइस इन सीजन इट कैन बी 1 रुपीज और से लेस। सिमिलरली डिफर कर सकती है, डिफर कर सकता है। तो हमारे यहाँ जो है कोकोनट का कॉस्ट काफी लो है साउथ इंडिया में, तो कोकोनट का रॉ मटेरियल लेके हमने फिर इसको बनाया है। उसके अलावा जो मिलेट आइसक्रीम है, ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है ये जनरली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, तो उससे हमने बनाया। तो अगर रॉ मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल है हमारे यूपी में जो भी है उससे हम बना सकते हैं और इट विल बी हेल्पफुल फॉर द मीन्स। अभी ये एग्जीबिशन में आया हुआ है, ये प्रोजेक्ट हो गया है, ये बन के तैयार हो गया है, इसका टेस्ट हो गया है, सारा वेरिफिकेशन हो गया, बट अभी इसका कॉस्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका एनालिसिस नहीं है। हम लोग बेचते नहीं है, वी आर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट। तो हमारे साथ जो आशीष जी हैं, डॉक्टर आशीष जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड रिसर्च फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। थैंक यू आशीष जी, वेलकम। तो ये इन्वेस्टर्स समिट 2018 और जो आइसक्रीम अभी तक आप खाते थे जिसमें बहुत सा शुगर होता था, कोलेस्ट्रॉल होता था, अब वो यहाँ नहीं होगा और ये इन फ्यूचर आपको खाने को मिलेगी जो बहुत टेस्टी होगी। अभी तो आइसक्रीम जो आप देख रहे हैं ये उसकी मशीन है और ये यहाँ पे इसका डिटेलिंग है कैसे ये तैयार होगी। थैंक यू आशीष जी, इन्वेस्टर समिट फ्यूचर प्रोग्रेस आपकी होती रहे और हम प्रार्थना करते हैं।